Hi guys, in this video we'll talk about the complete analysis of all the four sections combined together, overall comparative analysis and the cutoffs. Yeah, is about cutoff kitna jana chahiye. I know abhi sab party mode mein hai, and main chahta hu ki tum party mode mein raho. Theek hai, ye analysis ek baar dekh lete hain so that we understand ki is baar paper kaisa aaya tha, before we forget. This will help you to understand ke apna score kitna aane wala hai, so that we are mentally prepared for the shock जो रिजल्ट आने के बाद लगेगा. प्लस इफ़ यू प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर तो एक आइडिया अपन को मिल जाएगा कि लास्ट ईयर कैसा आया था. दिस समरी विल हेल्प अस इन द लॉन्ग रन एज वेल. ओके, दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द फोर सेक्शंस कंबाइंड टुगेदर. सो लेट्स टॉक अबाउट द ओवरव्यू फर्स्ट. तो इस बार जो मेजर शॉक दिया क्वांट ने दिया, द क्वांट का लेवल वेंट अप. डीआई का कैलकुलेशन भी काफ़ी आया उस बार, भर भर के आया. सो इफ़ आई कंपेयर विद लास्ट ईयर, लास्ट ईयर सबको मालूम है कि पेपर टफ था, नो डाउट. हिस्ट्री ऑफ सीईटी का सबसे टफ पेपर था लास्ट ईयर. इस बार का पेपर क्वांट सेक्शन वॉज मोर डिफिकल्ट देन लास्ट ईयर, दिस आई कैन से दैट ईजिली. ठीक है, तो क्वांट का सेक्शन वॉज हाई एंड चारों स्लॉट में लेवल वॉज सेम हाई. ठीक है, डी आई का भी हाई था कैलकुलेशन, मैथ्स में भी कैलकुलेशन भर भर के था. लास्ट ईयर क्या था, 10 क्वेश्चन मैथ्स का था, लेकिन 10 में से 4-5 क्वेश्चन वर फेयरली डूएबल. कैलकुलेशन कम था, मतलब लेस देन 1 मिनट एंड मोर देन 1.5 मिनट. इस बार सारे क्वेश्चन में 1.5 मिनट एवरेज टाइम लग रहा था. ठीक है, तो मूविंग टू द आरसी सेशन. आरसी में स्लॉट 1 एंड स्लॉट 3 का आरसी का लेवल थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था, मतलब मॉर्निंग वालों का थोड़ा सा कंपैरेटिवली, बिकॉज आई हैव गिवन द एग्जाम इन द मॉर्निंग स्लॉट एंड मेरे हमारी टीम ने आफ्टरनून में भी एग्जाम दिया था. सो द लेंथ ऑफ द आरसी, द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वर देयर थोड़ा सा हाई विल था, थोड़ा मतलब एक दो नंबर ऊपर जाएगा, बहुत फर्क नहीं था दोनों में. ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क था ऊपर नीचे. क्रिटिकल रीजनिंग मॉर्निंग स्लॉट में थोड़ा ज़्यादा था, इवनिंग स्लॉट में थोड़ा छोटा था. द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन वॉज स्मॉलर. यार ऑब्वियसली यार, पैराग्राफ बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग आ गया और एक एक लाइन का आ गया, तो ऑब्वियसली एक एक लाइन वाला सॉल्व करना इज मच मोर ईजियर. सो सेकंड स्लॉट एंड फोर्थ स्लॉट में थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा. सी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं यार, इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए फर्क है, फर्क नहीं गिरेगा, बिकॉज वहाँ पे तुम्हारी फटी पड़ी है. ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बट वैन यू कंपेयर द फोर सेक्शंस तो एक दो नंबर ऊपर नीचे हिलेगा. ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें इन द क्रिटिकल रीजनिंग. पजल्स चारों में हाई था, कैलकुलेशन वाली पजल थी, लेंदी थी बट डूएबल ऑब्वियसली. तो वेन आई मीन लेंथी तो था ही था पूरा पेपर, ऑब्वियसली यू कांट से सीटी का पेपर वॉज ईजी और टफ. ठीक है, लेंथी तो था ही था, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज लेंथी, मतलब अगर पेशेंस से 10 मिनट 12-12 मिनट डालोगे तो एक एक क्वेश्चन निकल जाएगा, लेकिन 8 मिनट में पजल निकालना वॉज मेन चैलेंज. एंड सब स्लॉट में पजल का लेवल वॉज ऑलमोस्ट सेम, इनफैक्ट स्लॉट 3 स्लॉट 4 में काफ़ी पजल सेम भी था. ठीक है, डी आई का लेवल वॉज हाई एज यूजल. लॉजिक वॉज ईजियर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, लॉजिक का लेवल वॉज मीडियम. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन मीडियम था, बिकॉज लास्ट ईयर जो आया तो वो तो पता ही था यार, कोई डिकोडिंग चेंज हो गया एकदम से, इनपुट आउटपुट में कुछ अजीब सा आ गया. सो कंपेयर टू दैट इट वाज अ थोड़ा सा इजी लेवल. एंड एब्स्ट्रैक्ट का लेवल वाज थोड़ा सा हायर देन द लास्ट ईयर पेपर. ठीक है, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत ईजी क्वेश्चन थे, इस बार थोड़ा उससे आसान था, थोड़ा उससे टफ था, बट स्टिल डूएबल. आराम से 20+ अटैम्प्ट आराम से पब्लिक का हो सकता था. ठीक, आई एम कंपेयरिंग विद द लास्ट ईयर एज वेल. सो जस्ट टू टेल यू टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ, लॉजिक ईजी हो गया लेकिन क्वांट टफ हो गया, बाकी का लेवल इज ऑलमोस्ट सेम एज लास्ट ईयर. तो मोटा मोटा कट ऑफ में ज़्यादा चेंज आएगा नहीं, दैट्स माई एनालिसिस. मैं अभी ऑनलाइन पढ़ रहा था लोगों का कि 105 तक कट ऑफ जाएगा, इतना नीचे नहीं जाएगा यार जे बी का. यार आप खुद सोचो यार, 70 लोग देता है सी ई टी, जी जे बी में सी ई टी यार 70, 70 लोग होगा जिसका स्कोर 125 टच होगा 100,000 में से, दैट्स इट. तो जे बी कट ऑफ हैव टू बी अराउंड 125 ओनली, जो लास्ट ईयर हुआ था. ठीक है, तो इफ यू गिवन द सीटिंग एडवांस मॉक, पूरा पेपर पैटर्न पूरे टाइप का, मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी उसके जैसे था, तो अगर आपका हमारे मॉक में 100+ आ रहा था तो वहाँ जाके अपना अच्छा स्कोर आने वाला है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ इवेंचुअलिटीज. मैं पहले ही कहता था यार, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एक्सपेक्ट द बेस्ट. तो इस बार वही हुआ, कहीं पर अपना बेस्ट आ गया, लॉजिक आसान हो गया, तो वर्बल क्वांट टफ हो गया. ओके, मूविंग टू द सेक्शन वाइज ब्रेकअप फॉर जे बी आई एम एस, एब्स्ट्रैक्ट 20+, लॉजिक 50+, वर्बल 30+ एंड क्वांट 25+ वुड हैव बीन अ वेरी गुड स्कोर टू टच जे बी आई एम एस. दैट्स अ एवरेज स्कोर 120-125. टॉप 4 के लिए 110-105 के बीच में रहेगा एंड टॉप 10 के लिए 100-95 के बीच में रहेगा. एंड दिस इज द फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फ्रॉम माई साइड कंपेयरिंग ऑल द एनालिसिस ऑफ ऑल द थिंग्स. तो जे बी की कट ऑफ विल बी 120-125 के बीच में रहेगा. दीज आर द कट ऑफ फॉर द ओपन कैटेगरी एच यू स्टूडेंट. ठीक है, एच यू ओ एच यू जे बी सिडम सुमाया फिलिंकर में एच यू ओ एच यू कम्बाइन करके सीट से, ओ एम एस का कट ऑफ, ओ बी सी का कट ऑफ एंड एस सी एस टी कट ऑफ. कट ऑफ इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप ये पॉज करके एक बार अपनी कट ऑफ देख लो. ठीक है, मतलब 100+ है तो इज्जत बचेगा 95-100 पे आके, हमें टॉप 10 टॉप 11 कॉलेज तक, टॉप 10 कॉलेज हमको मिल रहा है.
लेकिन पीजी डीम के नाम पे 75 पे भी स्कोर पे कॉल आएगा. आई एज्यूम 75 टू 80 मार्क्स दिस ईयर विल बी 90 परसेंटाइल पे आपको पीजी डीएम में अच्छा क्वालिटी कन्वर्ट हो सकता है. विलिंकर एसआईएस पुंबा एसआईएस डालमिया एमईटी आईएस चेतना. ठीक है आप एक बार नूर कर लो विलिंकर एसआईएस डालमिया एमईटी आईएस चेतना यहाँ सब में पीजीडीएम भी है आउट ऑफ दिस टॉप 10 कॉलेजेस तो वेयर वी कैन अप्लाई. ठीक है तो ये अपना आराम से फॉर्म भर सकते हैं वहाँ पर वहाँ का अगर सीईटी में स्कोर कम आया. एनीवे विल वेट फॉर द 19th. एक बार सीईटी का रिजल्ट आने के बाद विल डिसाइड कि कहाँ भरना है क्या नहीं भरना है. ठीक है चलेगा तो अभी इंजॉय करो पार्टी करो एक हफ्ता आपके पास है जितनी जिंदगी झीलो अपनी अच्छे से. 19 को भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट के बाद फिर देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट स्टेप विल पोस्ट एट दैट टाइम. ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू.